नमस्कार, स्वागत है आपका जीवी न्यूज में। बिहार के शिक्षा मंत्री और आरजेडी नेता चंद्रशेखर के रामचरितमानस पर विवादित बयान के बाद अब नीतीश सरकार के सहकारिता मंत्री सुरेंद्र यादव ने भी विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जब भी चुनाव आता है तब भारतीय जनता पार्टी आर्मी पर हमला करवाती है, लेकिन इस बार किसी देश पर हमला करवा सकती है। उनके इस बयान को लेकर बिहार के सियासत में बवाल मचना तय माना जा रहा है। दरअसल मंगलवार को आरजेडी प्रदेश कार्यालय में जनता दरबार का आयोजन किया जाता है। यहां आरजेडी कोटे के मंत्री फरियादियों की फरियाद सुनते हैं। मंगलवार को जनता दरबार में सहकारिता मंत्री सुरेंद्र यादव पहुंचे थे। सुरेंद्र यादव ने पार्टी कार्यालय में भाजपा पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि जब भी चुनाव आता है तब भाजपा आर्मी पर हमला करवाती है और इस बार किसी देश पर हमला करवा सकते हैं। बीजेपी लगातार दावा कर रही है कि हम लोकसभा रिकॉर्ड जीतेंगे, क्या आपने कहा? सुपड़ा साफ है बीजेपी का, सुपड़ा साफ है बीजेपी का। मैं बीजेपी का चुनौती स्वीकार करता हूँ, सुपड़ा साफ है। लगता है कि बड़ी आशंका भी है क्या कि कुछ बड़ा खेल होगा या बीजेपी कुछ बड़ा कर सकती है, कोई बड़ा कुछ? बीजेपी में जब चुनाव आता है तो ज्यादा से ज्यादा आर्मी पर हमला करता है, इस बार लगता है कि किसी कंट्री पर हमला करे। वहीं उन्होंने कहा कि अगले चुनाव को लेकर हम भाजपा की चुनौती स्वीकारने को तैयार हैं। इसी दौरान उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाते हुए विवादित टिप्पणी कर दी है। उन्होंने ये भी कहा है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। ऐसे ही और भी खास बातें जानने के लिए जुड़े रहें डीवी न्यूज़ पर।